बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद मुनीर अहमद एंड वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री एफएससी पार्ट वन चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और इसी को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि वन मोल कंटेन ऑलवेज कंटेन 6.02×10^23 पार्टिकल्स। स्टूडेंट, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, 6.02×10^23। अमीडो एवोगैड्रो ने ये एक हाइपोथेसिस दिया था कि एक मोल के अंदर ए लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स 6.02×10^23 होती है। हम लफ्ज़ यहाँ पर पार्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टिकल से मीन हम यहाँ पर अगर एटम्स को डील कर रहे हैं तो यही पार्टिकल एटम्स हो जाएंगे, अगर हम मॉलिक्यूल को डील करते हैं तो यही पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, अगर हम फार्मूला यूनिट को डील कर रहे हैं तो ये हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट्स हो जाएंगे, और अगर हम आयंस को डील कर रहे हैं तो इतने हमारे पास आयंस हो जाएंगे। ओके, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं एन कैपिटल और ए बी कैपिटल, लेकिन एज ए सबस्क्रिप्ट नीचे थोड़ा सा करके हम इसको लिखते हैं। अब हमारे पास हम इसको रिलेट करते हैं कि अगर हम पार्टिकल्स की तादाद की बात करें कि मेरे पास अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, इट मींस इट इज़ वन मोल ऑफ कार्बन, इट मींस कि इसके अंदर हमारे पास 6.02×10^23 एटम्स हैं, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द एटम्स। अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन मीन वन मोल ऑफ कार्बन, इट कंटेन 6.02×10^23 एटम। इसी तरह स्टूडेंट, अगर मैं मॉलिक्यूल को डील करता हूँ तो मेरे पास सपोज 18 ग्राम्स ऑफ वाटर की हम बात करते हैं, वन मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.02×10^23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम फार्मूला यूनिट को डील करते हैं, 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू वन मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 6.02×10^23 फार्मूला यूनिट। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम आयंस को डील कर रहे हैं तो 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू वन मोल ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू 6.02×10^23 आयंस। ओके स्टूडेंट, ये बात हमें बहुत क्लियर होगी कि एक मोल के अंदर अगर हम एटम्स को डील कर रहे हैं तो वो उतने एटम्स कंटेन करता है, इतने एटम्स कंटेन, और अगर हम मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और अगर हम फार्मूला यूनिट्स को डील कर रहे हैं तो उसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स हैं, और अगर हम इतने आयंस को डील कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास इतने ही आयंस की तादाद होगी, यानी 6.02×10^23। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हो। स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि अगर एक मोल में इतनी तादाद है तो टू मोल में डबल हो जाएगी, थ्री मोल में थ्री टाइम हो जाएगी। सो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बड़ी सहूलत से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स से मुराद यहाँ पर फिर वही कि एटम, अगर हम एटम्स को डील कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अगर हम मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं, और फार्मूला यूनिट तब कंसीडर करेंगे अगर हम आयन कंपाउंड फार्मूला यूनिट उसमें मौजूद होते हैं उसको डील कर रहे हैं, या हम आयनिक स्पीशीज को देख रहे हैं तो फिर हम आयन से डील करते हैं। अब इसके लिए बहुत सिंपल, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बात की कि अगर आपके पास एक मोल है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, और अगर टू मोल्स हैं तो उसके अंदर डबल अमाउंट हो जाएगी। अब इसका बेहतरीन सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा। अगर हम एटम्स को डील कर रहे हैं तो वो एटम्स की तादाद बता दे, अगर हम मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं तो वो हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद बता देगा, और अगर हम फार्मूला यूनिट्स को डील कर रहे हैं
और अगर हम आयंस को डील कर रहे हैं तो वो हमें टोटल आयंस दे देगा। इसी फार्मूले को स्टूडेंट हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम। ये स्टूडेंट मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ये आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स देगा। और इसी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एवोगाड्रोस नंबर तो ये हमें क्या दे देता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल अगेन अगर आप इसको एटम्स को डील कर रहे हैं तो आप इन पार्टिकल्स की जगह वर्ड एटम इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर आप मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं तो इसी पार्टिकल की जगह आप लफ्ज मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर आप फार्मूला यूनिट्स को आयनिक सब्सटेंस को डील कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट लिख लेंगे, और अगर आप आयंस को डील कर रहे हैं तो यहां पर आप आयंस नंबर ऑफ आयंस लिख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हम मोल से रिलेट करते हैं। मैं इसकी एक वजाहत करता हूँ आपको, जब हम एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंसीडर करें तो हम इसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करें कि इसके अंदर इंडिविजुअल एटम्स, तो हम इसको अगर हम एक मॉलिक्यूल को डील कर रहे हैं तो इसके अंदर हम इसकी तादाद को डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल एटम्स, तो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इसके अंदर है, वन एटम ऑफ सल्फर इसके अंदर हमारे पास है, और फोर एटम ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। ओके, लेकिन अगर हम वन मोल ऑफ H2SO4 को डील कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये बात आपने इंपॉर्टेंटली नोट करनी है, तो इसके अंदर हमारे पास अब टू मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है और इसके अंदर वन मोल ऑफ सल्फर एटम है और इसके अंदर फोर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इट मीन्स अगर मैं आपको टोटल पार्टिकल फाइंड आउट करने का कहूँ कि एक मोल के अंदर टोटल पार्टिकल्स यानी इंडिविजुअल एटम्स की तादाद, तो आप इसके टू मोल्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02, क्योंकि एक मोल के अंदर इतने होते हैं, और अगर आप सल्फर तो इसको 1 से 1.602 10^23, और अगर आप इसको कहेंगे तो 4 × 6.02 10^23, और फिर इन सबको सम अप करेंगे तो इट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि हम अगर एक मॉलिक्यूल को डील कर रहे हैं तो इसमें सिंपली हम इनके एटम्स की तादाद को डिस्कस करते हैं। इसी से रिलेट करती हुई कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में भी और एक्सरसाइज में भी है, उसको सॉल्व कीजिएगा। This is all about today's topic. Next topic में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।